भाखड़ा और पोंग बांध में पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिसे देखते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने कल एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें बांध से ज्यादा पानी छोड़े जाने पर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए पंजाब सरकार को ज्यादा पानी के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। दरअसल ये एहतियातन उठाया जा रहा कदम है और इस फैसले के पीछे मौसम विभाग की एक चेतावनी है, जिसके मुताबिक 18 अगस्त के बाद भाखड़ा के ऊपरी इलाके में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से वहां अभी से ही लगातार बारिश हो रही है, दुगुना पानी भर गया, इसलिए एहतियातन चेतावनी जारी की जा रही है। भाखड़ा नांगल डैम में पानी का स्तर खतरे के निशान से महज 32 फीट नीचे रह गया है। इसी को देखते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने अपने सदस्य राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों की कल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में अधिकारियों को यह बताया जाएगा कि डैम का पानी खतरे के निशान के लगभग करीब पहुंच गया है और फ्लड गेट्स के पास पहुंच गया है। इसका मतलब है कि अब डैम से पानी छोड़ा जाएगा। लगभग 6000 क्यूसेक पानी रोज छोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि जो सतलुज नदी है और भाखड़ा नांगल का जो मेन चैनल है, भाखड़ा मेन चैनल, उसमें पानी का स्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच सकता है। इसलिए जो आसपास के इलाके हैं वहां पहले से ही अलर्ट कर दिया जाए, प्रशासन मुस्तैद और चुस्त हो जाए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 18 अगस्त से भारी बारिश होगी। इसका मतलब है कि डैम का पानी लगातार बढ़ेगा और उसकी जो कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा हो जाएगा। यही वजह है कि मैनेजमेंट बोर्ड ने पहले से ही तैयारी करने के लिए सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। तो करीब 23 साल पहले भी एक बार ऐसे आपात हालात पैदा हो गए थे, जब जलस्तर बढ़ने पर बगैर किसी खास पूर्व चेतावनी के सारे गेट खोल दिए गए। इससे पंजाब और नीचे के इलाके में बाढ़ के हालात बन गए। इस घटना से नाराज पंजाब के आतंकियों ने बाढ़ और उससे हुई मौतों के लिए भाखड़ा ब्यास बोर्ड के अध्यक्ष को जिम्मेदार बताते हुए उनकी हत्या कर दी थी।